उतारे गए हैं तो उनको भी उतरवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के बाद बिहार के पाटिल पुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, जहां उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन में पद उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखकर मिलती है, लेकिन बीजेपी में आम कार्यकर्ता सीएम और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। बीजेपी जाति और परिवार के आधार पर टिकट नहीं बांटती है और न ही कोई पद मिलता है। उज्जैन से खुद को विधायक का टिकट मिलने और सीएम पद तक पहुंचने का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा, मैं जिस उज्जैन से विधायक चुना हूं वहां हमारी जनसंख्या नाम मात्र है, लेकिन पार्टी हमारे मेहनत की वजह से वहां से टिकट देती है, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात ही नहीं करती, बल्कि उसे जीवन पर उसको जमीन पर उतारती भी नजर आती है। इससे ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए।